Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दिल्ली में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है और ऐसे में दिल्ली में बाहर रह रहे लोगों को ठंड से बचाने के लिए केजरीवाल सरकार भी सख्ती में आ गई है। और आज हम आरकेपुरम में स्थित हैं रेन बसेरे की पड़ताल करने के लिए। केजरीवाल सरकार ने जो वादे किए हैं रेन बसेरे को लेके, वो जानने के लिए यहाँ पर हम मौजूद हैं और जानेंगे, देखेंगे कि केजरीवाल सरकार के जो रेन बसेरे को लेकर वादे हैं वो किस हद तक सही हैं। हमारे साथ मौजूद है आरकेपुरम के रेन बसेरे के केयर टेकर नीरज, इनसे जानते हैं यहाँ की सुविधाओं के बारे में। सर, यहाँ पर तो सारी सुविधा है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर सर नए गद्दे आए हैं, अभी बेडशीट आई है और कंबल है, 20 से 22 तक बंदे हो जाते हैं। नहीं, दिन भर यहीं रहते हैं, खाने के लिए सर यहाँ पे है, शाम को 4 बजे के करीब खाना आता है, ये सरकार की तरफ से आता है। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ और लोग हैं जो इस रेन बसेरे में रहते हैं, उनसे जानते हैं कि इस रेन बसेरे में उनको रहते हुए कैसा लग रहा है और क्या जो जो सुविधाएं हैं उनके लिए किस हद तक ठीक है। राधे श्याम, 3 साल। नहीं सर, परेशानी कुछ नहीं। मेरा नाम ओमचंद है जी, यहाँ मैं 2012 से यहाँ रहता हूँ। यहाँ जो भी सरकार ने दिया हमें सब कुछ मिल गया, कम्बल है, गद्दे हैं, लैट्रिन है, बाथरूम है, पानी पीने के लिए। जैसे ठंड पड़ रही है इसी हिसाब से तुम कम्बल ले सकते हो, नहीं कोई शिकायत नहीं है। केयरटेकर बराबर करता, दवाई आती है मेडिकल, बृहस्पत को और सोमवार को 2 दिन डॉक्टर आते हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर रह रहे लोगों से भी बातचीत की और उन्होंने भी बताया कि इस रेन बसेरे में दिल्ली सरकार ने जो सुविधा दी है शायद ही वो पहले की सरकार किसी सरकार ने दी होगी। यहाँ पर इंटरटेनमेंट से लेकर सोने की व्यवस्था से लेकर खाने पीने की, शौचालय की, पानी पीने की, हर चीज़ की सुविधा यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से दी जा रही है। कैमरामैन पंकज के साथ मैं राजेश तनवर, दिल्ली दस्तक के लिए।